मैं अकेला लड़की लड़का और इधर सब औरत सब बुद्धि हो गई है, मेरा जैसा जवान कोई नहीं है। हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस मैं अभी जा रहा हूँ मछली पकड़ने नदी में। एक्चुअली नदी जो है इतनी भारी हो गई ना गाइस, और क्या ही बताए। तो एक्चुअली वो फिशिंग करने जा रहे हम लोग मच्छरदानी के साथ। मैं अकेला लड़की लड़का और इधर सब औरत सब बुद्धि हो गई है, मेरा जैसा जवान कोई नहीं है। तुम लोग क्या कर रहा है? अरे गाइस ये देखो, इतने हंस हंस के जा रहे हैं ना, मुंह दिखाने के लायक नहीं है क्योंकि बुद्धि हो गए, मेरा जैसा कोई हैंडसम नहीं है। इधर देख सकते हो पूरा, मतलब जब पानी वगैरह प्लाट हो रहा था सब पानी इधर से इस तरफ नीचे में गया था। तो फिलहाल सिर्फ सुना है, अब तक गए नहीं नदी पे, तो जाके देखते हैं कितना बारा हुआ, उसके बाद मछली वगैरह पके। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा, इसके मुंह में पैदाशी सुपारी है। पकड़ेंगे उसके बाद खाएंगे थूस थूस के, ताकि दिमाग बहुत ही ज्यादा तेज हो गाइस। उधर देखिए सुंदर सुंदर नारी। एंड गाइस उससे पहले एक बात बताता हूँ हम लोग का फैमिली के बारे में। हम लोग का हर कोई नौकरी वाला है, जैसा कि मेरा हो गया गायल चराना, उसके बाद मेरा भैया का हो गया है टीचिंग करना, या टीचर है वो एक्चुअली वो गांव का, तो उसके बाद एनजीओ में भी कुछ काम करता है, और मैं नालायक सिर्फ गाय बैल चरा के रहता हूँ, काम करना पड़ता है गाइस। क्या गाइस आप लोग पीछे में देख सकते हो, मेरा साथ में आ रहा है फैसल खान, जिसमें मेला मेला का फिल्म में जो है ना वो क्या बोलता हीरो था, हीरो का फाड़ लिया था। देखो आप लोग देख सकते फाइनली पहुंच चुके हम लोग इधर नदी पे, और यहाँ पे हम लोग फिशिंग करने वाला है गाइस। ये देख सकते हो इतना भारी हो गई है ना, इधर देखो ये मेरा मामी है, ये मेरा बहन लगती है, और ये भाभी, और ये हम लोग का फसल कान। या आप लोग का हालत, इसका हालत देख सकते हो बिल्कुल हेरो लग रहा है, तो पहले से मतलब काफ़ी भारी हो गई है। ये इस तरफ है रत्नापुर और इस तरफ धर्मापुर। भाई लोग मैं अभी अपना काम शुरू करने जा रहा हूँ, समझ रहे हो? कुछ गलत मत समझना, मतलब मैं कपड़े निकल रहा हूँ ताकि मैं मछली पकड़ सकूं। और मेरा सिक्स पैक पहले से बहुत ही धमाका हो गई है। इधर देखो गाइस सब बहक लेके जाएगा ऐसा होने से। वाह ये देखिए इतना ठंडा है ना पानी, जो इतना ठंडा है, और का ही बताइए भाई साहब। ये देखिए पूरा जमीन लेके जा रहा है, हम लोगों को भिखारी बना के छोड़ेगा, अब क्या कहे। हम लोगों का काम हो रहा है अभी शुरू, ये देखिए किस तरह से मछली पकड़ते हैं। और इधर देखो पानी इधर बह के इधर नीचे में जा रही है, फिर धान का खेत नहीं घुसेगा, उसके बाद धान खत्म तो जिंदगी खत्म। ये देखो मेरा सब्सक्राइबर इतना बंदर की तरह उछल उछल के डांस कर रही है। ये देखिए गाइस लोकल वाला, वाओ खाने में बहुत ही टेस्टी होगा देखो। और ये हम लोग का ग्रुप मछली पकड़ने वाला। दूसरी बात ट्राई करते गाइस, उसके बाद मैं मछली पकड़ूंगा, यानी इस पे जाऊंगा मैं भी। अरे भाई देखते हैं मिलता है कि नहीं मिलता है, अभी तो मछली फुफ्फो बहुत बड़े बड़े मछली मिले, मिला। अरे सिर्फ दो तो चिंते मिला आप, ये बिल्कुल लोकल है गाइस। यहाँ के मछली काफी हैंडसम होते हैं, सफेद सफेद वाला लेकिन छोटा है। देखिए गाइस बॉय इतना फाट हो गया, ये देखो नदी इतना बड़ा हो गया, दो तीन दिन से पूरा मतलब बारिश दे रही है भाई। ये देखो ये सब लेके जा रहा है अभी। तो दोस्तों मैंने अभी काम खत्म कर दिया, मतलब यहाँ में आगे ऊपर में मतलब काम मिलता है, तो इसलिए जा रहा है फिर से हम लोग नीचे। हम अभी सबसे लास्ट जा रहा हूँ क्योंकि एक्चुअली वीडियो वगैरह बनाया था, तो इसलिए पूरा लेट हो गया, इसलिए मुझे जल्दी। हम लोग को इतना ही मिला है क्योंकि हम लोग 5 आदमी और इससे तो नहीं होगा, इसलिए और मछली ढूंढेंगे। ये देखो पूरा ताज़ा ताज़ा और लोकल मछली, और इस तरफ देखिए मतलब हम लोग आगे में मछली पकड़ा था, अब नीचे में यहाँ से लेके हम लोग इधर से जाएंगे ना।
A few moments. दोस्तों अभी हम लोग मछली पकड़ के जा रहे हैं घर। एक्चुअली नीचे में जो है ना इतना मतलब पानी गहरा है, इसलिए हम लोग मछली पकड़ने के नहीं सके। तो अभी जा रहे, फिर उसे भी खाना खाने का टाइम आ रहा है, वक्त आ रहा है। जाएंगे अभी घर पे मछली वगैरह बांट के फिर जाएंगे। फिर मुझे काफ़ी भूख लगी क्योंकि मैंने सुबह भी ब्रेकफास्ट नहीं किया था। आप लोग नदी देख सकते हो, देखो इतना गहरा है, कैसे पकड़ेगा मछली इतना गहरा में। वैसे भी गांव में एक तो सुअर खाता है, यानी फीक, या हम फॉर्क कह सकते हैं हम लोग। वैसे तो जो खाती है करता है उसको फॉर्क बोलता है। तो जाएंगे दावना का घर। एक्चुअली वो सुअर खाता है, तो सुअर का दावना का खून पिएंगे। मेरे कहने का मतलब है हम लोग सुअर का खून पिएंगे, क्योंकि वो तो भाई सभी जा रहे हम फॉर्क लेके। एक्चुअली भैया जी ने खाता था ये सुअर, तो हम मिले क्या जा रहा है। मछली वगैरह भी मिला था पर ज़्यादा नहीं, वो भी लेके गया है, वो भी बना रहा है फिलहाल। और हम लेके जा रहा है मीट, आज फॉक बहुत बढ़िया से खाएंगे। हाँ मेरा सिक्योरिटी रोज मेरे साथ आती है। अगर किधर भी घूमने जाओ ना तो पी भी मेरे साथ चलती है। एंड गाइस एक्चुअली मैं आज खून पिलवा था, वो भी सुअर का। वो क्या है ना अभी तक तैयार नहीं हुआ, इसलिए मीट लेके जा रहा है, क्योंकि काफ़ी भूख हो रहा है, सुबह कोई ब्रेकफास्ट नहीं किया था मैंने। तो अब डायरेक्ट मिलते घर पे गाइस, उसके बाद गाइस मैं पहुंच चुका हूँ घर। मैं अभी मतलब पॉक की मीट टुकड़ा टुकड़ा करने वाला हूँ, या पीस पीस करने वाला हूँ, उसके बाद खाएंगे। आज मुंह का वीडियो बनाएंगे, तो वीडियो पे बने रहना गाइस। गाइस यहाँ में मिर्ची और हल्दी नमक डाल लिया, और इधर है मस्टर्ड ऑयल, मतलब जलाएगा, जला के मतलब बनाएगा। तो मैं आज गाइस मुकबांग वीडियो बनाऊंगा, वो भी फॉर्क का। ऐसी फर्क जो फर्क नहीं पड़ता है, वो खाने वाला फर्क है। तो गाइस अभी कुकिंग हो रही है, देखो। वाओ ओ भाई साहब, यार मुंह में तो पानी आ रहा है, अभी मन कर रहा है कि अभी मैं खाना खाऊं। तो गाइस हम लोग का खाना हो गया तैयार, और इधर देखिए ये है फॉर्क और ये लेमन। सिर्फ दोनों के सिर्फ एक ही सब्जी से खाना पड़ेगा, उपाय नहीं है। और यहाँ में बैठ के मैं खाऊंगा। तो गाइस ये है फॉर्क, और इधर है लेमन। देखो सिर्फ मिर्ची ही खाऊंगा, वैसे तो सब्जी है नहीं। पहले जतरा करता हूँ मीट, अब ये
A few moments later. तो गैस ज़्यादा खाने खाने से ज़्यादा बुरा हाल हो गया क्योंकि मेरा पेट इतना दर्द दे रहा है अभी कुछ के खाया मैंने जबरदस्त मेरा डिलीवरी करना पड़ेगा वरना मैं यहाँ पे समाप्त हो जाऊँगा।